हेलो एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर लहासा की ओर। इसमें लहासा की ओर नामक पाठ के लेखक का नाम क्या है, प्रश्न ये है। और इसमें सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहासा किस देश में स्थित है? तो लहासा तिब्बत में स्थित है। उसके बाद प्रश्न जो आएगा वह है, राहुल सांकृत्यायन कहाँ के रहने वाले थे? तो राहुल सांकृत्यायन उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था? तो उन्होंने सन 1930 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और तभी की उनकी ये तिब्बत देश की यात्रा है। उसके बाद प्रश्न आता है, रात को लेखक और उसका मित्र किस स्थान पर ठहरे थे? तो लंकोर नाम का एक स्थान था, वहाँ पर वो लोग ठहरे थे। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, तिंगरी का मैदान कैसा था? तो तिंगरी का मैदान, उसमें छोटी छोटी चारों तरफ पहाड़ियाँ थी, यानी पहाड़ों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तिंगरी समाधि गिरी किसका नाम है? तो तिंगरी समाधि गिरी यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी का नाम है। प्रश्न आता है, तिंगरी का मैदान कैसा था? पहाड़ों से घिरा हुआ। प्रश्न आता है, राहुल सांकृत्यायन एवं उसका साथी तिंगरी से कितने बजे चले थे? तो सुबह तेज धूप के समय 10-11 बजे वो चले थे। उसके बाद प्रश्न आता है, तिब्बत में जागीरों का बड़ा भाग किनके हाथों में है? तो यहाँ पर जो जागीर हैं, यानी ज़मीनें हैं, बहुत बड़ी ज़मीन होती है जागीर में, उसका हिस्सा जो है मठों के अंतर्गत आता है और उसके जो भिक्षु होते हैं ना, वो उसके अधिकारी होते हैं एक तरह से, और लोगों से श्रम करवाते हैं, बेगार काम करवाते हैं। बेगार होती है कम तनख्वाह में काम करवाना या ओनली खाना दे करके किसानों से काम करवा लेना। तो ज़्यादातर मठ जो हैं उन पर जागीरों पर अधिकार होता मठों का। उसके बाद प्रश्न आ जाता है, एक कंजूर का वजन अनुमानतः कितना बताया गया है? वहाँ पर पोथियाँ रखी हुई थी जिनका नाम कंजूर है, और एक पोथी का वजन जो है लगभग 15-15 शेर जो था वो था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तिब्बत में डाकुओं के लिए कौन सा स्थान अच्छा माना गया है? तो डांडा नामक एक स्थान था, वह डाकुओं के लिए अच्छा माना गया क्योंकि वहाँ पर बहुत ही निर्जन स्थान था। वह निर्जन क्या होता है, जहाँ पर लोग ना हो, जन ना हो, जनों से विहीन स्थान था, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाकू जो हैं वो थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, कुची कुची का क्या अर्थ है? यह इसका अर्थ है दया दया, यानी दया करो दया करो। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि तिब्बत में शाम के समय लोग क्या पीकर के मस्त रहते हैं? यहाँ पर सही जवाब है, शराब पीकर के मस्त रहते हैं। प्रश्न आ जाता है, नेपाल तिब्बत मार्ग पर किस फौज का कब्जा है? तो यहाँ सही जवाब है चीनी फौज का कब्जा है। प्रश्न आता है, लेखक अपनी यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे थे? तो ये जवाब आपको देना है,
और इसका जवाब मैं आज आपको नहीं दे रही हूँ ताकि पता चले कि आप होमवर्क कर रहे हैं या नहीं। तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तिब्बत में चाय तैयार हो जाने पर क्या डालने की ज़रूरत होती है? इसका जवाब भी आप देंगे। उसके बाद प्रश्न आता है, सुमति कौन था? तो यहाँ पर सुमति एक बौद्ध भिक्षुक था। प्रश्न है, दुर्ग के एक भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया है? दुर्ग जो होते हैं वो किले होते हैं, रास्ते में जो किले थे उसमें किसानों ने अब अपना डेरा बना लिया था। प्रश्न आता है कि तिब्बत की धूप कैसी होती है? तो चमकीली धूप वहाँ पर होती है। प्रश्न आता है, नेपाल के अतिरिक्त किस देश की चीज़ें नेपाल तिब्बत मार्ग से जाया करती थी? तो सही जवाब है, हिंदुस्तान की। ये सारे प्रश्न जो हैं आज लहासा की ओर के मैंने आपको बताए हैं। इसमें आपके लिए दो प्रश्न जो हैं आपको सर्च करके उनका जवाब देना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।